हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग खबीर। आज हम बनाएंगे स्पेशल तंदूरी चिकन बिरयानी बिना तंदूर के। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टच द बेल आइकन फॉर माय क्विक, इजी एंड डिलीशियस रेसिपीज़। ये रेसिपी 1 किलो बिरयानी की है, तो उसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो बासमती राइस। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अब इसमें 2 जग और 1 लीटर पानी डाल के 2 घंटे के लिए भिगा देना है ताकि चावल फूल जाए जल्दी और टेस्टी बने। अब हम लेंगे 1/2 किलो चिकन। इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे जिससे चिकन पीसेस टाइट हो जाएंगी और पकाते वक्त बिखरेगी नहीं। अब इसमें डालेंगे रेड फूड कलर ताकि हमारा चिकन अच्छा दिखे। अब हम इसको पूरे में अच्छे से मिला लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। चिकन का मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए बारीक कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 कप, गरी का बुरादा 3 बड़ा चम्मच, तीखा लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, तंदूरी चिकन मसाला 2 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 3 बड़ा चम्मच। अब कुकर में 1/2 कप और 125 ml रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसमें प्याज डाल के अच्छे से चलाएंगे जब तक कि हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। मैंने कुकर का यूज़ किया है, आप किसी और भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी प्याज हो गई है, इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे और अब इसको अच्छे से चला देंगे। देखिए इसमें ये पानी छोड़ रहा है और हम इसको स्लो फ्लेम पर पकाएँगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से पक सके। पानी के सूखने तक इसको अच्छे से भूंजेंगे। तेज आंच पे चिकन को फ्राई होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तंदूरी चिकन मसाला, नमक 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। ग्रेवी तैयार होने के बाद चेक कर लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो और डाल देंगे। इसको स्लो फ्लेम पर ही भूनते रहना है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच पानी डाल के अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा मसाला चिपके नहीं और अच्छे से पक सके। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गरी का बुरादा जो हमारे ग्रेवी के टेस्ट को बढ़ाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि हमने हल्दी पाउडर नहीं डाला, क्योंकि हल्दी का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जिससे बाकी मसाले के फ्लेवर उभर कर नहीं आते हैं। अब देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसको स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। तंदूरी चिकन ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें तंदूर जैसा फ्लेवर देने के लिए 1 स्टील की कटोरी में गरम कोयला रखेंगे। इसको ग्रेवी के बीच में रख के 1 छोटा चम्मच घी डालकर ढक दें। इसमें जो धुआं निकलेगा वो हमारे चिकन को तंदूर में बना हुआ फ्लेवर देगा। मैंने कोयले को धोकर सुखा लिया था ताकि जब हम इसमें घी डालें तो सिर्फ घी की ही स्मेल आए और किसी चीज़ की नहीं। ऐसे ही ढक कर इसको अब साइड में रख देंगे। अब हमें बिरयानी का चावल तैयार करना है। उसके लिए हमें चाहिए 6 तेज़पत्ता, 5 छोटी इलायची, 4 मीडियम साइज़ की दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1.5 बड़ा चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, सौंफ 1 बड़ा चम्मच लेंगे और ज़ीरे से थोड़ा कम, 4 हरी मिर्च बीच से कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लौंग। अब गैस पर हांडी रखेंगे, इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। मैंने 5 लीटर वाली हार्ड एनोडाइज हांडी यूज़ की है, आप सिल्वर की भी यूज़ कर सकते हैं, पर 5 लीटर वाली ही यूज़ करें ताकि हमारी बिरयानी अच्छे से बन सके। अब हम इसमें अपने सारे खड़े मसाले डाल देंगे और 10 मिनट के लिए बॉयल करना है ताकि मसाले का अर्क पानी में आ जाए। अब हम इसके लिड कवर कर देंगे। जब तक बिरयानी का पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम अपनी बिरयानी को और टेस्टी बनाने के लिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए पुदीना 1/2 कप,
4 हरी मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच पानी। मिक्सिंग जार में पुदीना, हरी मिर्च और पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब पैन में आधा कप रिफाइंड ऑयल और 2 चम्मच घी डालेंगे, जो बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर देगा। अब इसमें आधा कप बारीक कटी प्याज डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको स्टर करते रहेंगे, मतलब चलाते रहेंगे अच्छे से। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे, नहीं तो प्याज जल जाएगी। अब हम बिरयानी का पानी चेक कर लेंगे, ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये हमारा बासमती राइस है, जो हमने 2 घंटों के लिए भिगो के रखे थे। अब हम इसको पानी में डालेंगे। अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। अब हम चावल को चेक कर लेंगे कि कितना पका है। ये अभी भी थोड़ा टाइट है, तो इसको ढककर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। हाँ, अब हम चेक करेंगे चावल को उंगली से मसल के देखेंगे। अगर थोड़ा टाइट है, मतलब 1 कनी चावल पकना बाकी है। अब पानी को पसा लेंगे, नहीं तो राइस ओवर कुक हो जाएगा और खिला खिला नहीं दिखेगा। अब हम चावल में तंदूरी चिकन की ग्रेवी को मिक्स करेंगे। तो इसको हम मिक्स ऐसे करेंगे कि एक साइड से चावल को हटाना है, बिल्कुल पतली लेयर छोड़नी है चावल की। फिर उस पर थोड़े चिकन पीस और मसाला डाल के चावल से कवर कर देना है। ऐसे ही हम चारों तरफ करेंगे। थोड़ा चावल हटाना है, ग्रेवी और पीसेस को डालना है और चावल से कवर कर देना है। अब हम इसके ऊपर जो हमने बारीक कटी प्याज को फ्राई किया था, उसे डाल देना है, और जिस ऑयल घी में हमने फ्राई किया है उसे भी डाल देंगे। इसके ऊपर जो हमने पुदीने और मिर्ची का पेस्ट बनाया था, उसे भी डाल देंगे चारों तरफ, और एक चुटकी येलो फूड कलर चारों तरफ इस पर डाल देंगे, जिससे कलर अच्छा दिखेगा। अब एक कटोरी में जलता हुआ कोयला लेना है और बिरयानी के बीच में रख देंगे। 1 चम्मच घी डालकर ढककर रख देना है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। अब हम कोयले वाली कटोरी हटा के बिरयानी को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हम इसी तरीके से मिक्स करेंगे, नहीं तो चावल टूट जाएगा। अब बिरयानी को अच्छा कलर देने के लिए रेड फूड कलर डाल के ढक देंगे। अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। हमारी गर्मा गर्म स्पेशल तंदूरी चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसको फ्राइड अनियन और मिंट लीफ से गार्निश करके सर्व करेंगे।